हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th की गणित सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है जो संख्या पद्धति। उसमें हमने कल की वीडियो में संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में जाना था। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हुए और हम लेकर आए हैं एक परिमेय संख्या या दो परिमेय संख्याओं के मध्य और कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसी क्रम में हमने जाना कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आया दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें माना a प्लस बी अपॉन दो, पहली संख्या, पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ना है और दो का भाग लगा देना है। तो हमने आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, एक है 5 और 6, इनके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि 5 और 6 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके नीचे 1 हमेशा रहता है तो ये छिपा रहता है। ठीक है, तो 5 और 6 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दोनों को ऐड कर देना है और दो का भाग लगा देना है। क्या देखा, 6 5 11 / 2, ये इनके बीच की एक परिमेय संख्या हो जाएगी। हमने देखा कि अगर दो परिमेय संख्या हो उनके मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, हमें कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या को जोड़ना है और दो से भाग लगा देना है। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना, मतलब दो परिमेय संख्याएं हैं उनके मध्य हमें एक या एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन में हर समान होता है और दूसरी कंडीशन में हर असमान होता है। तो हर समान वाली कंडीशन हम देखेंगे, जैसे 1/4 और 3/4। अब इनके मध्य हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने देखा 1 और 3 के बीच में 2 है, 2/4 इनके एक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। और हमसे इन्होंने पूछा कि एक इनके बीच में एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो हम सबसे पहले 1/4 और 7/4, अब इनके बीच में हमने देखा कि ये है संख्या रेखा, संख्या रेखा पर 0, 1/1, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4 के बीच में अगर हर समान हो तो 1, 2, 3, 4, 5 कई संख्याएं निकल आएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनके बीच में हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात की हैं। 1/4 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या हैं 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4 और 6/4। इनके बीच की हमने निकाल ली, ए है जब हर समान हो, हर समान के लिए ए कंडीशन। अगली कंडीशन होती है जब हर असमान हो, हर असमान के लिए। जैसे हमने लिया 1/2 और 2/3, इनमें हर असमान है, हर असमान के लिए हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने इसका एलसीएम ले लिया, क्या 6 इसका क्या आया, एलसीएम आया, और यहाँ पर 3 और 4 हमने इसका एलसीएम लिया। अब हमारे पास यहाँ से दो परिमेय संख्या मिल गई, एक तो 3/6 और 4/6, हमने लिखा 3/6 और 4/6। अब इनके बीच में हमें एक से अधिक संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली बात, अब हमें क्या करना है, जितनी ज़्यादा परिमेय संख्या निकालनी है हमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी हिसाब से जितनी भी हमें परिमेय संख्या निकालनी है। हमें अगर 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम यहाँ 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे। दोनों में 10 का गुणा किया, यहाँ क्या आया,
30 और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 40 और 60। हमने देखा इनके बीच में कितनी संख्याएं आ गई, 30 और 40 के बीच में कितनी संख्याएं 10, और 30 और 40 के बीच में हमने 10 परिमेय संख्या निकाली जो 31/60, 32/60, 33/60, 60, 34/60, इसी प्रकार 39/60 इनके बीच की ए परिमेय संख्या निकाल ली। इसी प्रकार हमने यही जाना कि जब दो परिमेय संख्याएं दी गई हों उनके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि अगर 6 और 7 के बीच हमें 2 या 3 परिमेय संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले हम इनकी बीच की संख्या निकालेंगे। तो 6 + 7/2 13/2 पहली संख्या। अब हमें और निकालनी है तो इन दोनों के बीच की निकाल लें या इन दोनों के बीच की निकाल लें। हमें बीच की संख्या मिल गई, अब हमें पहली मिल गई इनके बीच की संख्या। अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्या और निकालनी है तो हम इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लेंगे, और अगर और परिमेय संख्या निकालनी है तो इन दोनों के बीच की निकाल लेंगे, फिर उन दोनों के बीच की निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हमने जाना कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य 1 परिमेय संख्या ज्ञात करना, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। 2 संख्याएं दी गई हों उन्हें जोड़ देना है, 2 से भाग लगा देना है, इसमें हमें 1 परिमेय संख्या मिल जाएगी। और अगली परिमेय संख्या में जब अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो और हर समान हो तो हमने जाना कि ठीक है इसी प्रकार है, लेकिन हर असमान हो तो हमें केवल उनका एलसीएम लेना है। वहाँ से हमें 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी, उनके बीच में हमें 10 का गुणा कर देना है। ऊपर नीचे दोनों अंश बाहर में 10 का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें संख्याएं 2 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, फिर उनके बीच हम आसानी से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार और ये भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य 1 परिमेय संख्या ज्ञात करना और 2 परिमेय संख्याओं के मध्य 1 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना, हमने आज ये सब सीखा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।